नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास काल्टा और आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर पेश हुआ हूं। ये जो आप डब्बा देख पा रहे हैं, इसके अंदर डिस्कवरी का राइफल स्कोप है। ज़्यादा जूमिंग वाला राइफल स्कोप मेरे पास पहुँच चुका है। ये मैंने किसी के लिए मंगवाया है, और अगर आपको भी डिस्कवरी राइफल स्कोप की ज़रूरत है दोस्तों, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बेहतरीन जूमिंग वाला राइफल स्कोप है, इसकी भी इसकी अनबॉक्सिंग मैं अभी आपके सामने करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत ही दूर तक, अगर आप टारगेट को हिट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या दूर तक आप चाहते हैं कि काफ़ी 200, 300, 400, 500, 600 मीटर तक आप कहीं शूटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्कोप है, बहुत ही शानदार स्कोप है। मैं भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इसको देखने के लिए, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या खूबी है और किस तरह से ये दिखाता है। चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आने वाले समय में मैं बहुत सारे वीडियो आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ गन के रिगार्डिंग, गन के बारे में। और दोस्तों, चलो ज़्यादा ना बात करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलो आइए देखते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको काट लेंगे। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं जल्दी से, ताकि वीडियो हमारा थोड़ा लंबा ना जाए। और इसको भी साइड में रखते हैं और इसको जल्दी से हम ओपन करने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए डब्बा जो है हमारे सामने निकल चुका है, और ये देखिए डिस्कवरी का डब्बा हमारे पास है। देखिए, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं जल्दी से। ये VTZ है दोस्तों, 6-24-44 SF राइफल स्कोप है। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चलो दोस्तों, इसको जल्दी से ओपन करने की हम कोशिश करते हैं। आजा आजा आजा। देखिए दोस्तों, ये मैंने बाहर निकाल दिया है, और राइफल स्कोप अब हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों, राइफल स्कोप निकल चुका है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, और देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक माउंट मिले हैं। ये माउंट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये माउंट है। इसमें सिंगल सिंगल जो है हमारे जो है यहाँ पर नट लगे हुए, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये रेल के ऊपर सेट होते हैं। ये रेल वाले माउंट है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आम माउंट नहीं है, ये रेल के ऊपर ही सेट होंगे। सिंगल यहाँ से इसको आपको कसना होता है, सिंगल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको साइड में रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक हमारे को ये लोगो मिलता है डिस्कवरी का, इस तरह का। इसके पीछे भी इसकी डिटेल दी गई है, और ये डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, आप देख सकते हैं। इसको भी साइड में रखते हैं। तो दोस्तों, फिर इसके अंदर ये भी हो गया, इसी की पैकिंग के लिए ये भी हो गया। ये इसके अंदर कुछ एल्की मिली है, इसको भी ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले दिखा चुका हूँ, इसमें ही काम आती है। ये इसका मैनुअल है दोस्तों, जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसके अंदर एक इसमें एक व्हील मिला है। ये व्हील डिस्कवरी राइफल स्कोप पे लगता है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसको भी साइड में रखते हैं। ये देखिए, एक डिस्कवरी का क्लॉथ इसमें हमें मिला है, डिस्कवरी का क्लॉथ। इसको भी रखते हैं हम साइड में। और दोस्तों, डब्बे के अंदर कुछ नहीं है, डब्बा खाली है, तो हम डब्बे को रखते हैं साइड में। और अब दोस्तों, मैं मेन बात पे आता हूँ, अपना डिस्कवरी का राइफल स्कोप। ये देखिए हैं, ये देखिए, वो मेरे हाथ में आ चुका है। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया स्कोप है। बिल्कुल वज़न भी कुछ ज़्यादा है नहीं है, बहुत ही लाइट है, हल्का बहुत ज़्यादा है।
ये मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो। और यहाँ देखिए दोस्तों, डिस्कवरी का लोगो यहाँ पर लगा रहता है, डिस्कवरी के राइफोस्कोप में। ये देखिए, इसके आगे कैपे लगी हुई है। इस तरह से लेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए किस तरह का इसका कलर है, बहुत ही बेहतरीन। और ये बैक वाले, यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको नज़र आ जाएगा तो देखिए, इसके अंदर जो आपको है, इसके अंदर इसका रेक्टिकल जो है, इसके अंदर प्लस बना हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट वाली साइड से भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, इसके लेंस बहुत ही बढ़िया लेंस डिस्कवरी में हमें मिलते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप भी, अगर आपको डिस्कवरी राइफल स्कोप लेते हैं, तो आप बहुत ही बढ़िया, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है शूटिंग के लिए। और ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये जो व्हील था, ये व्हील दोस्तों यहाँ पर लगता है साइड में, ये देखिए दोस्तों इस तरह से, ये इस तरह से इसमें सेट होगा। और ये इसको हम इसमें ऊपर वाले वो कैपे आप उठा के, अगर आपको सेट करना है तो आप इसको उठा के ऊपर को उठाइए इस तरह, देखिए, और इसको आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं। और इस साइड वाला लेफ़्ट राइट करने के लिए राइट ऐसे आप कीजिए, फिर आप लॉक कर सकते हैं, ऐसे कीजिए, सेट करके लॉक कीजिए। लेकिन इसमें यहाँ पर एक नट दिया हुआ, मैंने पहले वीडियो में आपको दिखा दिया था, इसको खोलने पर आप इसको ज़ीरो पर सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ज़ीरो, देखिए ज़ीरो, ज़ीरो पे इस तरह से आपको सेट करना होता है। इसकी कैप जो है ज़ीरो पर सेट हो जाती है। इसका ये जो नट है, इसको आप एल की आपको इसमें दी गई है, इसको खोल के आप इसको ज़ीरो पर सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए डिस्कवरी का ये 6/24/44 SF VTZ मॉडल है। और मैं यहाँ पर जूमिंग में भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 6 से इसकी जूमिंग शुरू होती है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 बाई 24। देखिए यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, ये इस तरह से घूमता है, इसको आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये आपको जूमिंग के लिए हो गया, ये देखिए, इससे जो आप इसकी जूमिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए 6 से शुरू होता है 24 तक, यहाँ देखिए, ओहो गिर गया, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होता है 6 से 24 तक, बहुत ही जूम दिखाता, मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा। अब ये देखिए इसका दोस्तों, इसको लेफ्ट राइट सेट करने के लिए होता, मैंने अभी भी बताया था, इसको बाहर खींच के आप इस तरह से क्लिक सेट करके इसको अंदर को लॉक कर सकते हैं। अप डाउन करना है इसको, आप ऊपर उठाइए, इधर को घुमाइए, इधर को घुमाइए, देखो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों डाउन, डाउन करने के लिए आपको ऐसे को घुमाना होगा, लॉक करना होगा। अगर आपको अपना टारगेट अप करना है, आप इसको ऊपर उठाइए और इसको आप इधर को घुमाइए, ये देखिए, आप इस तरह से इसको फिर से लॉक कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये साइड वाला जहाँ पे डिस्कवरी लिखा है, जो आप ये जो आपका व्हील है, ये यहीं पर लगता है, आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं, ना लगे आप इसको निकाल सकते हैं, इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं है खास, ये इस तरह से। अगर आपको, आप किसी टारगेट को देख रहे हैं, अगर आपको जो है वो टारगेट जो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो सीधे तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही शानदार स्कोप मेरे को लगा देखने में, इसका छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने पेश किया, बाकी दोस्तों इसके अंदर कुछ खास है नहीं है। और एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, जो मैंने अभी आपको माउंट दिखाए थे, ये जो माउंट है, ये आपको इसमें सिंगल नट लगा होता है, देखिए साइड से नीचे, तो ये दोस्तों मैंने अलग से रेल भी मंगवा दी है, ये 30/06 राइफल के लिए, इसमें चार इसमें नट लग जाएंगे, और इसको जो है इसके ऊपर
ऊपर इसके अंदर देखिए, रेल के अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें कट्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर एक नट लगा हुआ है, इसके अंदर इस तरह से यहाँ पे ये लॉक हो जाता है, ये आगे पीछे मतलब हिलता नहीं है। इसीलिए रेल लगाने की हमारे को 3006 और बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप रेल नहीं लगाते तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, आपका स्कोप आगे निकल सकता है जितनी आप फायरिंग करते रहेंगे। इस तरह से दोस्तों देखिए, इस मैल की दीवे, इसको यहाँ पे टाइट कीजिए और दूसरे को आप यहाँ पे टाइट कीजिए जितनी आपको आवश्यकता है अपने राइफल के हिसाब से। ये देखिए दोस्तों, अभी आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। इस कट्स के अंदर जो मैंने आपको ये वाला जो है नट दिखाया है, ये इसके अंदर बिल्कुल सेट हो जाता है, ये आगे भी नहीं जाता और पीछे भी नहीं जाता है। तो दोस्तों ये इस तरह से हमारे को जो है रेल की आवश्यकता होती है 3006 राइफ़ल के लिए। और इस तरह से आप अपने जो है राइफ़ल में स्कोप फिट कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा डिस्कवरी के राइफ़ल स्कोप का एक छोटा सा वीडियो था। दोस्तों ये मैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी हो चुकी है, कल रात को हल्का हल्का मौसम ख़राब हुआ था, और निचले क्षेत्रों में जो है बारिश ही रहती हैं, और यहाँ पर थोड़ी हाइट ज़्यादा है जहाँ पर मेरे घर हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा राइफल स्कोप के का वो प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, अंदर से आपको कैसे ये दिखता है। क्षमा कीजिएगा दोस्तों अगर मैं अच्छे से आपको ना दिखा पाऊँ, देखिए दोस्तों थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको सामने एक घर नज़र आ रहा होगा, अब इसको मैं जूम करने की कोशिश में कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों इसका मैं जूम बढ़ा रहा हूँ, 24 तक ये जूम करता है। ये देखिए ये बहुत ही देखिए क्लोज आ चुका है। अब मैं इसको जूम इसका मैं पूरा कम कर लेता, अरे कहाँ चला गया, जूम कम कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने जूम देखिए मैं कम कर रहा हूँ, ये देखिए। दोस्तों ये डिस्कवरी के राइफल स्कोप का एक छोटा सा वीडियो था, ये अनबॉक्सिंग का छोटा सा वीडियो जो मैंने आपके सामने पेश किया। आशा करूँगा दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।